नमस्कार साथियों, तो चलिए हम देखते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। इस लेक्चर में हम जनवरी से लेकर अगस्त तक का देखेंगे और फिर इसके बाद दूसरा लेक्चर में हम अगस्त से बाकी का देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बता रहे हैं आपको कि ये मध्य प्रदेश पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अदर एग्जाम के लिए, मध्य प्रदेश से संबंधित के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में मध्य प्रदेश नंबर वन पे है। वो आपको यहाँ बता दें, स्वच्छता के मामले में 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें इंदौर फर्स्ट पे था और भोपाल सेकंड नंबर पे था। वो इस स्वच्छता सर्वेक्षण में 434 शहरों को लिया गया था, ठीक है। और यहाँ आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें अलपूजा केरल के एक शहर को दुनिया के 5 शहरों में से एक पर रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी करंट में डीजीपी और आईजी वार्षिक सम्मेलन टेकनपुर में हुआ, ग्वालियर में। यहाँ सीमा सुरक्षा बल अकादमी है टेकनपुर में, और इसके अतिथि रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। आपको यहाँ बता दें, बीएस है जो हमारी फोर्स है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करती है। एसएसबी सशक्त नेवल जे ये नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा करती है भारत की, और असम राइफल है जो म्यांमार बॉर्डर पर लगी रहती है, ठीक है। अगला देखते हैं, रीवा सौर पार्क डेवलपर्स को आईएफसी से $440 मिलियन ऋण लेकर बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, हैप्पी नारी, ये एक मशीन है, सैनिटरी पैड मशीन, जो भोपाल स्टेशन पर लगाई गई है। और भोपाल भारत का फर्स्ट, मतलब पहला स्टेशन है जहां इस तरह की मशीन लगाई गई है। वो ये लगाई गई भारत के डिवीजन के रेलवे कल्याण मंत्रालय द्वारा और एक एनजीओ की सहायता से, जिसका नाम है आरओसी। चलिए आगे देखते हैं, बिन बैक्स जो सैनिक अभ्यास जबलपुर में हुआ है, 6 दिवसीय भारत और वियतनाम के बीच हुआ है, ठीक है। अगले, श्री निवास तिवारी, इन्हें सफेद शेर कहा जाता है, ये रीवा के थे। अभी इनकी मृत्यु हो गई फोर्टिक्स एस्कॉर्ट अस्पताल दिल्ली में। ये सबसे कम उम्र के विधायक थे। आपको बता दें कि ये 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के मध्य प्रदेश के, ये कांग्रेस से हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एमपी का बजट 2018 में 204,642 करोड़ रुपये रहा है। आपको बताएं कि एमपी स्वास्थ्य के मामले में 17वें स्थान पर, और देश की अर्थव्यवस्था में एमपी का योगदान 3.84% है, ठीक है। चलिए आगे बताएं, कड़कनाथ मुर्गा, इसका जीआई टैग मिला है एमपी को, और एमपी और छत्तीसगढ़ में अभी विवाद चल रहा था इसे लेकर। और ये एमपी में पाया जाता है झाबुआ अलीराजपुर में, और जीआई टैग जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और अभी एमपी ने एक कड़कनाथ एप्स बनाया है से संबंधित, इस पे आप जाकर इसका खरीद कर सकते हैं। और इसमें बता दें, कड़कनाथ चिकन में इसमें 25-27% प्रोटीन रहता है, फैट भी कम रहता है, B1, B2, B6, B12 विटामिन भी रहते हैं, और कैल्शियम और हेमोग्लोबिन भी रहता है, इसलिए इसकी मांग ज्यादा रहती है, ठीक है। अगला देखते हैं, 44वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2018 अभी हुआ है, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक। इसे संस्कृति विभाग द्वारा करवाया जाता है, और इसके उद्घाटन आनंदीबेन पटेल ने, जो यहाँ की राज्यपाल हैं। आपको बता दें, ये खजुराहो नृत्य महोत्सव 2002 में शुरू हुआ था। खजुराहो जो मंदिर है यहाँ, जो छतरपुर जिला में पड़ता है, 1986 में इसे विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया, और सांची को 1989 में जोड़ा गया था, भीमबेटका को 2003 में। एमपी में विश्व विरासत स्थल 3 है, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। चलिए आगे, एमपी ने रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष कर दी, ठीक, पहले ये थी, पहले अधिकारी कर्मचारियों की उम्र, ठीक है। अगला देखते हैं, बाघों की मृत्यु 2017 में भारत में टोटल 115 की मारे गए। एमपी सबसे ज्यादा 27 की मृत्यु हुई, और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आए 21।
आपको बता दें बाघों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में, कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड दूसरे नंबर पे, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे, एमपी है ठीक। और घनत्व में सबसे ज्यादा ओरांग असम में है ठीक। इसकी बाघों की गणना के लिए एक एप्स बनाया गया जिसका नाम है एम्स टेरिव एप्स। भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं और इसमें दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। चलिए आपको एक और अगला देखते हैं। चना, सरसों, मसूर को भावांतर योजना में शामिल नहीं किया गया ठीक। पांचवा नदी महोत्सव एमपी में हुआ, तवा नर्मदा संगम स्थल पर, ये बंधवान में हुआ है, उद्घाटन किया है नितिन गडकरी साहब ने ठीक। अभी नितिन गडकरी जी केंद्रीय जल और परिवहन मंत्री हैं ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पशुधन संजीवनी योजना 1962 में हुई थी जी। इसमें अभी एमपी के कुछ जिले वो किए गए शामिल, चयन किया गया देवास रायसेन। इसके तहत हम बताएं आपको कि पशु उपचार एवं कृत्रिम गर्भाधान घर जाके किया जाएगा ठीक है। वो रायसेन में तितली पार्क भी है, ये 15 फरवरी को चालू हुआ है। इसमें 65 प्रजातियां पाई जाती हैं तितली ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ऑनलाइन कुंडली पशुओं को अद्वितीय पहचान देने के लिए एमपी ने एक आधार की तरह एक वो जारी किया है पहचान ठीक है, ये 12 अंकों का रहता है ठीक। चलिए आपको बता दें एसबीआई ने किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान किया है, 40 दिनों के लिए ऋण देगा। ये एमपी, गुजरात और राजस्थान में ये लागू की गई है। एसबीआई की बता दें आपको कि 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसके वर्तमान में चेयरमैन है रजनीश कुमार। अगला देखते हैं। 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है एमपी में ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है? नर्मदा नंद महाराज, हरि हर नंद महाराज, कंप्यूटर बाबा, भयू महाराज, योगेंद्र महंत ठीक है। आपको बता दें कि जिस संत हैं जो जी नर्मदा घोटाला यात्रा कर रहे थे, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद इन्होंने ये रोक दी थी नर्मदा घोटाला यात्रा। चलिए आगे देखते। आकांक्षी जिले योजना, पिछड़े जिलों को शामिल किया गया, 115 जिले कुल किए गए हैं इसमें शामिल ठीक। झारखंड में 19 हैं, बिहार में 13 हैं, छत्तीसगढ़ में 10 हैं, मध्य प्रदेश में 8 हैं। मध्य प्रदेश के जरूरी हैं ठीक है, एमपीपीएससी के लिए, अदर एग्जाम के लिए। इसमें है दमोह है, सिगरौली है, बड़वानी है, विदिशा है, खंडवा है, छतरपुर है, राजगढ़ और गुना है ठीक है। ये याद कर लीजिए बस इतने जिले। आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की बात कर लेते हैं। आपको बता दें स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2014 से शुरू हुआ है और अब की बार 18 में 4200 शहरों को शामिल किया गया है इसमें। और ये बता दें स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इस बार इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़ 1, 2, 3 क्रम में रहे। इंदौर फर्स्ट पे, भोपाल सेकंड पे, चंडीगढ़ थर्ड पे। राज्य में बता दें झारखंड फर्स्ट पर रहा है, महाराष्ट्र सेकंड पे, छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पे, पूर्वोत्तर में रहा है गंगटोक पहले नंबर पे ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एमपी ने भी लॉन्च किया, वो सेंटर बनाया है इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्मार्ट सिटी के लिए, बनाया है ठीक है। पहला स्टेट है जो इस तरह का सेंटर बनाया है। आपको बता दें स्मार्ट सिटी में 100 स्मार्ट सिटी बननी है, अभी करंट में बता रहा हूँ। पहले 90 थी, फिर 9 का और ऐलान, बाद में एक और जुड़ी ठीक है। इसमें एमपी के देख लेते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर है, इन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा ठीक है। इन्हें तो याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 की
की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये इसका ये हुआ है अभी अपना गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। इसमें इसका वाक्य था शेयर द ड्रीम, वो भारत को इसमें 66 पदक मिले हैं, इसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य। हरियाणा ने सबसे ज्यादा जीते हैं 22, महाराष्ट्र ने 8, तमिलनाडु ने 11, मध्य प्रदेश ने एक भी नहीं जीता है। इसमें मध्य प्रदेश की एक व्यक्ति शामिल हुआ था जो वर्षा बर्मन थी, भाग लिया था, ये डबलर ट्रैप शूटिंग खेल दिए, ठीक है। इसमें अब की बार बता दें राष्ट्र खेल मंडल में 171 देश शामिल हुए, वो ये चला था 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, ठीक है। इसका उद्घाटन किया था चार्ल्स वेल्स के राजकुमार ने और समापन किया एडवर्ड बेसेक्स केएल ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पिंक इलेक्ट्रोसिटी जोन मध्य प्रदेश में बनाया गया है, इसमें 25 महिलाएं केवल कर्मचारी होंगी, 25 महिला स्टाफ होगा और ये अरण्य नगर इंदौर में बनाया गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान लागू एमपी में चलाया गया, ये 24 अप्रैल से शुरू किया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है और ये रामनगर मंडला में चलाया गया। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। एलपीजी बोटिंग प्लांट मोनेरी मंडला में लगाया गया, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। अभी बता दें रीजनल 3R फोरम 8th मीटिंग इसकी हुई इंदौर में। 3R की बता दें यार, 3R का मतलब रिड्यूज रीयूज रिसाइकल। फर्स्ट इसकी 3R फोरम की फर्स्ट मीट जहां बना हुआ था टोक्यो में, जापान में बना था 2009 में। चलिए अब बात कर लेते हैं ई बिल की बात करते हैं। ई बिल आपको पता है एमपी में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय और सिक्किम में, पुडुचेरी में 25 अप्रैल 2018 से लागू किया गया और 1 अप्रैल से ये लागू हो गया था कुछ स्टेट में, जैसे कर्नाटक में 1 अप्रैल से शुरू हो गया था, ठीक। आपको बता दें 50,000 से ज्यादा कमाल कोई ले जाता है इस एक स्टेट से दूसरे, तो ई बिल लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एमपी में ग्रामीण सड़कों को सुधारने के लिए, बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक समझौता किया है $210 मिलियन का। वर्ल्ड बैंक $210 मिलियन लोन देगी। अगला देखते हैं, फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया है मध्य प्रदेश को, इसे 3 मई 2018 में, ठीक। आपको बता दें कि फिल्म फ्रेंडली स्टेट से चुना जाता है जहां आधार संरचना डिजिटल अच्छे सुविधाएं हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन भोपाल में खोली जाएगी, ठीक है, ये दिव्यांग जनों के लिए है। अगला देखते हैं, कौशल विकास एक योजना, इसके तहत यशविनी अकेडमी पुणे द्वारा चलाई गई, इसमें 15 जिले एमपी के शामिल किए गए हैं। इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, शहडोल, धार, खरगोन, देवास, सिंगरौली, सतना, कटनी, ठीक है। इसके तहत कौशल विकास मतलब करेगी जिस पुणे की संस्था रोजगार के लिए। अगला देखते हैं, एमपी एम्प्लॉयज के लिए महंगाई भत्ता सेवेंथ पे कमीशन द्वारा 2% बढ़ाया गया और 6th पे कमीशन द्वारा 3% बढ़ाया गया, बेरोज महंगाई भत्ता, ठीक है। अगला देखते हैं, एमपी से 6 टाइगर उड़ीसा सतकोसिया रिजर्व में स्थानांतरित किए जाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं।
मानव बालों द्वारा, जो मानव के बाल होते हैं उससे पर्यावरण मंत्रालय एक एनजीओ की जिसका नाम है सार्थक की सहायता से कार्बनिक उर्वरक बनाएगा, जिसके प्लांट लगाए जाएंगे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में लगाए जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। जितेंद्र अर्जुन बार एक सिवनी के लड़का था जो पाक ने 2013 में बंदी बना लिया था, अभी 2018 में छोड़ दिया है इसे। ठीक है, अगला देखते हैं। विराट गुरुकुल सम्मेलन उज्जैन में आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश अधिनियम में 1970 में अभी संशोधन किया गया और 1 जुलाई 2018 से प्रभावी हुआ है। इसमें अर्जित अवकाश संचयन की सीमा 360 दिवस कर दी गई, पहले 240 दिवस थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आसन बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना ये मुरैना में है, किसकों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज लाभ देने के लिए बनाई गई। और अपनी दूसरी है ये गड़ा सिंचाई परियोजना बैतूल में है, ये जिले में। ठीक है, इसमें 8500 हेक्टर जमीन सिंचित होगी और इसमें 307 करोड़ 52 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगली बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट, ये मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में चलाया गया है। वो चलाया गया वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट एंड भारत सरकार द्वारा, ठीक, के सहयोग से। ठीक, इपको जो भोपाल में है इसका फुल फॉर्म पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन, इसने क्लाइमेट इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड शुभारंभ किया है जलवायु संबंधी जानकारी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 2011-13 में मातृ मृत्यु दर एमपी में 221 थी और 2016 में अभी जो रिपोर्ट आई है जून में इसमें 173 रह गई, मतलब घट गई है। और ये रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार के रजिस्टर मंत्रालय द्वारा जारी की गई। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान PMSMA केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। ठीक है, अगली देखते हैं। मोहनपुरा बेहद सिंचाई बांध परियोजना राजगढ़ में 23 जून को स्टार्ट की। आपको बता दें ये 3866 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई है और 23 जून 2018 को पीएम ने राजगढ़ में इसका शुभारंभ किया। इससे 1.35 लाख हेक्टर भूमि सिंचाई होगी। और दूसरा कृष्णा राज कपूर सभागार, ये रीवा में एमपी में है, ये मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सभागार है। कृषि कल्याण अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक चला है, एमपी के 8 जिलों को चयन किया गया है इसके तहत। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, दमोह है, बड़वानी है, सिंगरौली है, विदिशा है, खंडवा है, छतरपुर है और राजगढ़ गुना है। ठीक है, अगला देखते हैं। सन कोटा और मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना है सीहोर में बनाई। सेंटर फॉर रूरल हेल्थ एम्स ये रायसेन में खोला जाएगा। अगला बता दें हम गन्ना अनुसंधान केंद्र ये बुहानी में स्थापित किया जा रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के तहत। अगली देखते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना ये एमपी में चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही असंगठित गरीब मजदूरों एवं उनके परिवारों को योजना और सेवाओं का लाभ देने के लिए। ठीक है, इसके तहत एक ही योजना नहीं है, इसके तहत कई अनेक योजनाएं आ रही हैं, जैसे अनुग्रह राशि भुगतान योजना, इसमें जैसे दुर्घटना मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और स्थायी अपंग होने पर 2 लाख रुपए, आंशिक स्थायी अपंग होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे असंगठित गरीब मजदूर को जो पंजीयन होना चाहिए इसका उसमें।
है पहले। दूसरी हमारी उपकरण अनुदान योजना, इसमें बैंक ऋण देगी अनुदान के रूप में 1,000 से 10,000 से 5,000 जो भी ज्यादा हो। फिर तीसरी अंत्येष्टि सहायता योजना, अगर अंतिम संस्कार के लिए कोई भी मतलब पंचायत 5,000 रुपये देगी इस योजना के तहत। फिर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इसमें मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2018-19 से लागू की गई है। फिर निःशुल्क चिकित्सा योजना, इसके तहत चिन्हित बीमारियों के तहत 2,00,000 निःशुल्क इलाज किया जाएगा। फिर अपना है प्रसूति सहायता योजना, ये शासकीय चिकित्सालय में इसके तहत सहायता की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक 2018 में 9 जून से मंजूरी की गई है, इसमें संशोधन किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं अल्टा मेगा और सौर परियोजना, इसका शुभारंभ हो गया प्रथम यूनिट का, जो इसमें 5 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा रीवा में जून 2018 में। ये गुड़ के बदावर पहाड़ पर स्थित है। इसके तहत अल्टा मेगा सौर परियोजना को ऋण दिया था विश्व बैंक ने, और इसमें कुल ऊर्जा बिजली बनाई जाएगी 750 मेगावाट क्षमता रहेगी इसकी। चलिए आगे हम बात करते हैं टेपोरल बोन लैब, ये भोपाल सागर में चिकित्सा महाविद्यालय में खुली जाएगी जून 2018 में। ये खुली जाएगी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एवं डिफनेस के तहत खुली जाएगी। ठीक है, एमपी सरकार ने एक साथी ऐप लॉन्च किया है, ये 29 वर्ष आयु की किशोर किशोरियों को रोचक ढंग से स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिए। आपको बता दें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, 2014 से हुआ था, ये 2018 में भी। इसमें किताबों को कुछ विमोचन किया गया, एनिमेशन फिल्म साथी या कर्मिक्स। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था क्या, आपको बता दें कि कुछ बीमारी मतलब किशोर किशोरियों को इससे जोड़ना और इससे जानकारी देना, जैसा पोषण एवं प्रजनन, मानसिक बीमारी, नशीली पदार्थों के दुष्प्रभाव, हिंसा, चोट, असंचारी रोग से केंद्रित मतलब करवाना, इनसे परिचित करवाना। चलिए एमपी ने नए विभाग सृजित किए हैं 47, इसमें संचालन के लिए 21 नवीन पद भी स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्कॉच स्पेशल अवार्ड एमपी को दिया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। आपको बता दें यहाँ कि एमपी में महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस को दिया गया है, और केंद्र की जो बाल विकास महिला मंत्री है ये मेनका गांधी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर 5 अवार्ड दिए गए, जिसमें भोपाल को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद के साथ दिया गया है, इनोवेटिव आइडिया कैटेगरी में दिया गया, जबलपुर है जो जबलपुर को दिया गया स्मार्ट क्लासरूम और शहरी पर्यावरण बेस्ट टू एनर्जी प्लांट में। ठीक है, कैटेगरी में। ठीक, चलिए अमृत योजना की बात कर लेते हैं, इसमें इंदौर नगर निगम ने बॉन्ड जारी किए हैं 170 करोड़ के एनएससी पर 20 जून 2018 को। इससे पहले भी अमृत योजना के तहत बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं, फर्स्ट बार किए थे नई दिल्ली ने और सेकेंड दूसरी बार में किए थे हैदराबाद ने, और इंदौर जी तीसरा नगर निगम है। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश लाड़ी लक्ष्मी योजना, ये शुरू किए गए थे 2017 में, बालिका प्रोत्साहन विधेयक 2018 में संशोधन कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं आपदा जोखिम सूचकांक, जो गृह मंत्रालय ने जारी किया है UNDP की सहायता से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहयोग से। इसमें बता दें आपको कि एमपी चौथे स्थान पर रहा है हमारा, और फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है, थर्ड स्थान पर है यूपी।
अगला है हमारा समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, इस 14 जून 2018 को जारी किया गया, 2016-17 का। एमपी दूसरे नंबर पे, गुजरात फर्स्ट नंबर पे, आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पे। यहाँ बता दें सबसे खराब है झारखंड, हरियाणा, यूपी और पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य में, इसमें त्रिपुरा, हिमालय, हिमाचल, सिक्किम, ठीक है, हिमाचल और सिक्किम, ठीक है, त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम, सॉरी। और सब यहाँ बता दें सबसे बुरा है मेघालय में स्थिति। चलिए आगे देखते हैं हम, दस्तक अभियान 2018 में शुरू किया गया 14 जून से 31 जुलाई तक एमपी में। आपको बता दें कि इसके तहत कुपोषण को समाप्त करने के लिए ये पहली बार एमपी में इस तरह का चलाया गया है, एमपी पहला स्टेट है इस तरह। वो 5 वर्ष से कम आयु के उम्र के बच्चों के लिए को, मतलब किसी भी मृत्यु से पहले, मतलब बीमारी को परिचित कर लेना, इसका सीधा उद्देश्य है बाल मृत्यु दर को कम करना। सरल बिजली योजना ये 2018 एमपी में चलाई गई है, इसमें मुख्यमंत्री बकाया बिजली माफ योजना पंजीकृत बीपीएल श्रमिक परिवारों के लिए चलाई गई, ठीक। गिफ्ट ए बुक योजना एमपी में चलाई गई है। स्कूल चले हम अभियान सेकंड चरण चलाया गया, 18 जून से स्टार्ट किया, शाला प्रबंधन के लिए शाला प्रबंधन किए जाएंगे। अगला देखते हैं वीरांगना लक्ष्मी भाई बलिदान मेला 17 से 18 जून को लागू चला हुआ है, ये हुआ इंदौर ग्वालियर में, ठीक है। इसमें कार्यक्रम हुआ जरा याद करो कुर्बानी, और इसमें एक महानाट का मंचन हुआ, खूब लड़ी मर्दानी थी। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है, ठीक है। अगला देखते हैं आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम 2018 एमपी में लागू किया गया, जिससे विवाह के लिए। बीज ग्राम योजना एमपी में चलाई गई है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा, ठीक है। इसके तहत बीज ग्रामीण योजना के तहत उन्नत बीज उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, भंडारण तकनीकी शिक्षण अधोसंरचना विकास करने के लिए, ठीक है। अगली अपने फूड क्राफ्ट ये 5 स्थानों पर चलाई गई, ठीक है। ये एमपी के पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाई गई, इसका संस्थान है रीवा में शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला देखते हैं आलोक प्रतिज्ञा, ये सांसद शिक्षा योजना एमपी में चलाई गई, 50 इसके तहत 50 भोपाल 50 दिल्ली में यूपीएससी या पीएससी अन्य प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी करेंगे बच्चे, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति का अध्यक्ष बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को, और सदस्य इसमें बिहार, सिक्किम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं इसके सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह चौहान और सदस्य हैं बिहार, सिक्किम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सीएम, ठीक है। अगला है हमारा सेवा सूत्र सेवा योजना, ये इंदौर में 23 जून 2018 से शुरू हुई एमपी में। इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, ठीक है, सेवा सूत्र सेवा योजना का। पेयजल योजना का उद्घाटन 14 शहरी क्षेत्रों में किया गया है। आपको यहां बता दें कि ये 14 क्षेत्रों में एमपी में किया गया है, इसमें शामिल कौन कौन है आपको यहां बता दें कि धर्मपुरी नगर परिषद धार में, रायसेन नगर परिषद बेगमगंज, उबायदुल्लागंज, बेरसिया भोपाल, अथनर बैतूल, बक्षवद रतलाम, डिंडोरी, लखनादौन, सैनी, नरसिंहपुर, सबलगढ़, वमर, पोर्स है जी मुरैना में, बमोरिया सैडोल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस एमपी ने अभी 14 जून को मनाया गया,
लिखते हैं शिक्षक शिक्षा योजना एमपी में चलाई गई है, जिस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए। ठीक, ये बंडा सिंचाई परियोजना ये सागर में जिले में है, इसमें 2610 करोड़ रुपए से लागत से बनाई गई। मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना ये दतिया जिला में, आपको बता दें 52वां जिला जो हमारा बना है निवाड़ी, ये निवाड़ी पृथ्वीपुर और मोहनगढ़ तहसील को अलग करके बनाया जा रहा है, टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया जाता है। बाणसागर नगर परियोजना एमपी यूपी और बिहार के लिए की गई है, देवलोद गांव सहडोल में बनाया गया है बाणसागर, उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर जिले में। ठीक, इससे तीन राज्यों को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, एमपी को, एमपी का 1.54 लाख हेक्टर भूमि सिंचित होगी, यूपी की होगी 1.50 लाख हेक्टर और बिहार की होगी 94,000 हेक्टर। ठीक, ये सोन नदी पर बनाया गया। इसकी कुल लंबाई बता दें आपको 1020 मीटर है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अगला है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान इस बार अंजलि एला मेनन को दिया गया दिस्कला में। आपको बता दें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 1981 में शुरू किया गया था, और आपको बता दें कि 81 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला था दो लोगों को मिला था, जिसमें श्रीनिवास अय्यर और पंडित मल्लिकार्जुन मसूर थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन चौथा सम्मेलन इंदौर में हुआ 13 जुलाई 2018 को। फर्स्ट जो हमारा पहला सम्मेलन हुआ था ये 4-5 जुलाई 2016 को रायपुर में हुआ था, और सेकंड था जो 15 फरवरी 2017 में नई दिल्ली में, और थर्ड था जो 20 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में एक नमस्या ऐप लॉन्च किया है एमपी में, इंदौर में हुआ तभी किया गया है, ये किया है सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए। आपको बता दें कि जो नमस्या इसका फॉर्म है नालको माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज योगो एप्लीकेशन। ठीक है, इसके CMD है जो डॉक्टर तपन कुमार चंद हैं, इनकी ये किताब है जो एल्युमिनियम द फ्यूचर मेंटल का विमोचन किया है इन्होंने, और इनने जो किताब लिखी है वो है एल्युमिनियम द स्ट्रेटेज मेंटल मेटल। ठीक है, कल्पेश यज्ञिक इन अभी इनकी हाल में 13 जुलाई 2018 को मृत्यु हो गई है, इनका जन्म हुआ था 11 जून 1963 को, और आपको बता दें ये दैनिक भास्कर के संपादक थे, दैनिक भास्कर का हेडक्वार्टर भोपाल में, वो एक कॉलम लिखा करते थे उसमें असंभव के विरुद्ध, इनका कॉलम था जो। चलिए आगे देखते हैं, फ्लैगशिप योजना ये एमपी में हर जिले में चलाई गई है, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें बता दें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिन बेटियों को फायदा हुआ है लाभ हुआ है उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हर जिले, ये सुझाव दिया था डॉक्टर अशोक भार्गव ने। थे बीना नदी संयुक्त सिंचाई परियोजना सागर खुरई में है, सीएम ने अभी उद्घाटन किया इसका वो 3735 करोड़ रुपए से इसकी लागत भी है। आपको बता दें अगला देखते हैं, चिकित्सालय NQAS इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफाइड स्टैंडर्ड अचीवमेंट अभी करंट में जो प्राप्त किया ये भिंड जिला चिकित्सालय ने किया, और फर्स्ट जो किया था सतना चिकित्सालय ने किया था। अगला देखते हैं, पैरा मेडिकल संस्थान ये भोपाल इंदौर जबलपुर में खोले जाएंगे, इसमें
बता दें आपको कि 20 करोड़ की स्वीकृति है। इसमें निर्माण होगा जो भारत सरकार 60% देगी इसका कुल का, जो निर्माण में खर्च आएगा 40% देगी राज्य सरकार। अगला है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये एमपी में 25 जिलों में चल रहा है, आयोग्यम सेहत एवं सुकून केंद्र। ठीक, अगला देखते हैं राजकवि भास्कर और रामचंद्र तांबे पुरस्कार, ये श्रीनिवास हवलदार को दिया गया और डॉक्टर मादा वैद्य को दिया गया। आपको यहाँ बता दें कि इन्हें जो श्रीनिवास जी को दिया गया हवलदार को, ये कविता लेखन में दिया गया है मराठा कृतियों के लिए। इनकी गेस्टिया कविता किताब के लिए दिए गए। और दूसरे जो माता वैद्य जी हैं जो डॉक्टर, इन्हें मराठी कहानी के लिए दिया गया माजा चिकित्सा विवास के लिए। ठीक, अगला है जो हमारे वसावन मामा गोवंश वन विहार रीवा में स्थापित किया गया। वो बता दें आपको, ये 500 एकड़ भूमि में गायों के लिए। अब अगला देखते हैं पहला राज्य स्तरीय शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय भोपाल में खोला जाएगा, ये महर्षि पतंजलि संस्थान द्वारा। एडवेंचर नेक्स्ट 2018 भोपाल में पहली बार, एशिया में पहली बार ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा 3 से 5 दिसंबर तक। फर्स्ट जो था हमारा ओ रेड मैसेडोनिया में था, और इसे ये किया गया है एडवेंचर ट्रेड एसोसिएशन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं नर्मदा छिप्रा काली सिंध पार्वती सिंध परियोजना सीहोर में है जी, जुलाई 2018 में सीएम ने उद्घाटन किया है उसका। नर्मदा छिप्रा काली सिंध पार्वती लिंक परियोजना का पहली सौभाग्य बिजली कंपनी बनी है एमपी में, पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। 13 जिलों में इसमें लाभ पहुंचाया हुआ है। पहला जिला था जो इंदौर था हमारा, वो आपको बता दें दूसरा मतलब और थे 15 थे इसमें, इंदौर फर्स्ट था जो, फिर देवास उज्जैन, उज्जैन बता दें यहाँ फर्स्ट संभाग है मैं बना इसके तहत, फिर शाजापुर आगर मालवा धार रतलाम नीमच झाबुआ मंदसौर खरगोन खंडवा बुरहानपुर, और जुलाई में इसमें अलीराजपुर और बड़वानी को घोषित किया गया। चलिए अगला देखते हैं लोअर और सिंचाई परियोजना, ये पिछोर सिपुरी में और नदी पर है, इसकी लागत है जो कुल 2208 करोड़ रुपए है। चलिए आगे देखते हैं नए कृषि कॉलेज जुलाई 2018 में घोषणा की गई है, ये कृषि महाविद्यालय खुरई सागर में बनेगा और हॉर्टिकल्चर कॉलेज रडली सागर में बनेगा। आपको बता दें कृषि महाविद्यालय जो खुरई ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी स्थापना होगी। चलिए अगला देखते हैं वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की सिद्ध निधि, अब 7000 एमपी सरकार ने 7000 तिथि मार कर दी गई है, आयु 60 वर्ष कर दी गई है। मैं आपको बताएं कि हम जो 7000 पहले थी 6000 रुपये तिथि मार, और यहाँ 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष थी पहले, अब 60 वर्ष कर दी। अगला देखते हैं उद्यान की प्रोत्साहन योजना एमपी में चलाई गई है, ये प्याज और लहसुन के लिए, इसमें प्याज के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल राशि प्रदान की जाएगी और लहसुन के लिए 800 रुपये प्रति क्विंटल सरकार के द्वारा। ठीक, प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत चना मसूर सरसों रबी फसलों को खरीदने के लिए चलाई गई है। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम एमपी सरकार ने चलाई है। चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भोपाल में शुरू किया गया, इसके लिए ऋण दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसका नाम जो है प्रोजेक्ट का अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। अगली है मगरौनी ग्राम पंचायत शिवपुरी, जो है अभी
करंट में नगर परिषद बन गई है, तो ये राज्यपाल जी ने घोषणा की है, ठीक है, बनाने का निर्णय। अगली हमारे पारगमन उन्मुख विकास नीति टीओडी नीति 2018 में, इसके तहत नगर विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तहत बनाई गई। अगला है 28वीं मीटिंग ऑफ शूटिंग हॉप्स कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है एसए प्रताप सिंह तोमर ने, ये खरगोन की है, चेक रिपब्लिक राज्य देश में हुआ है ये 28वां, ठीक। और इन्होंने जो तोमर ने बनाया है ये खरगोन वाले ने, ये 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन जूनियर मैन इवेंट में बनाया मिला है, ठीक। यह 6 प्रादेशिक बोलियों को एमपी संस्कृति मंत्रालय ने, परिषद ने पुरस्कार दिया है, जिसमें मालवी भाषा को संत चीपा पुरस्कार दिया गया, निवाड़ी को संत सिंगाजी पुरस्कार दिया गया, बघेली को विश्वनाथ सिंह जीवदेव पुरस्कार दिया गया, बुंदेली भाषा को दिया गया श्री छतपाल स्मृति पुरस्कार, और भीली को टंडिया भील स्मृति पुरस्कार, और गोंडी को रानी दुर्गावती भिंडी स्मृति पुरस्कार, ठीक। और ये दिया गया 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक की प्रकाशित श्रेष्ठ कृतियों पर, ये केवल प्रादेशिक बोलियों के रचनाकारों के लिए दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, राजधानी योजना बोर्ड ग्वालियर में बनाई के लिए जो की है, चंबल तिगरा बांध से ग्वालियर के लिए से राजधानी बोर्ड से पानी आएगा योजना के तहत, ठीक है। और इसका कर्ज देगी एनसीआर प्लानिंग कमीशन, इसे कर्ज देगी इस योजना के लिए। अगला देखते हैं, जीओ टी एंड सी पी पोर्टल एमपी में लॉन्च किया, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश एनआईसी भोपाल के माध्यम से। इसका उद्देश्य शासन की दिशा में नागरिकों को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। और इसका प्रथम चरण जो शुरू किया गया है, दमोह, बैतूल, सुजालपुर, सेनवा, मेयर, गोहर, शहडोल, गंज, वासोदा में शुरू किया गया है। अगला देखते हैं पहले शासकीय रूप टॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के भवन पर, इसकी कुल क्षमता 200 किलोवाट। चलिए आगे देखते हैं, अभी एमपी में आग खेलो जरा कार्यक्रम शुरू किया गया है 29 अगस्त को ध्यानचंद जी की जयंती पर। अगला हमारा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का 37वां स्थापना दिवस भोपाल में मनाया गया है। इसकी स्थापना दिवस हुई थी जो ग्राम नाबार्ड की 22 जुलाई 1985 को, सॉरी दोस्त 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका 37वां स्थापना दिवस भोपाल में मनाया गया। चलिए अगला देखते हैं, बिजली उपभोक्ता बिजली फॉल्ट बिजली संबंधी शिकायतों के लिए एमपी ने उपाय ऐप बनाया है। अगला ऊर्जा अधोसंरचना दिवस